हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ टेली प्राइम के इस कोर्स में, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आपको पता ही है कि टेली का जो नया सॉफ्टवेयर है टेली प्राइम, उसकी ऑलरेडी हमारे चैनल पे शुरुआत हो चुकी है। इसकी वीडियो बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी स्किल्स आपको देखने को मिलेंगी, सारी स्किल की अकाउंटिंग की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो लास्ट वीडियो में हमने टेली प्राइम में कंपनी को क्रिएट करना और सेलेक्ट करना बताया था। आज मैं आपको कंपनी को शट करना और एल्टर करना बताऊंगी। तो बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं और इसका प्रैक्टिकल करते हैं। पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि शट कंपनी का हो गया। व्हेन यू हैव टू क्लोज एनी कंपनी विच ओपन इन टैली, तो इसका शॉर्ट की क्या है, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली वही होता है जो आपका स्क्रीन पे मेन्यू दिखता है, ठीक है। उसके बाद हम एल्ट प्लस के को एक साथ एंटर करेंगे, फिर उसके बाद शट का ऑप्शन आएगा एंड एंटर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको टैली प्राइम में देखने को मिलेंगे, इसका प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। उसके बाद हमारा आता है एल्टर कंपनी। एल्टर मीन्स व्हेन यू हैव टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन इन योर क्रिएटेड कंपनी। जो कंपनी हम क्रिएट करते हैं उसमें अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज करना हो तो उसको एल्टर करना कहते हैं। उस कंपनी को हम एल्टर करेंगे, यानी कि उसको एल्टर कंपनी बोलेंगे कि कैसे हम उसमें अपने इंफॉर्मेशन को एल्टर कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली, एल्ट के, एल्टर एंड एंटर, इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम टैली प्राइम को ओपन करेंगे यहाँ पे। हमारा टैली प्राइम ओपन हो चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएटेड हो रखी है, ठीक है, मोहित प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो हमें क्या करना है, शट करना है। व्हेन यू हैव टू क्लोज एनी कंपनी विच इज ओपन इन टैली, जैसे कि मोहित प्राइवेट लिमिटेड हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको क्लोज करके दूसरी कंपनी लानी है। यहाँ से कंपनी में जाएंगे, क्या है, शट, शट पे क्लिक करेंगे, मोहित प्राइवेट लिमिटेड टच किया, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ गए। हमें कौन सी कंपनी को वहां पे दिखाना है, जैसे कि यूनिक प्राइवेट लिमिटेड है यहाँ पे, हमने यूनिक प्राइवेट लिमिटेड पे टच किया और इसको एंटर कर दिया। देखेंगे कि हमारी कंपनी यहाँ पे बदल चुकी है। तो इतना सा तो था शर्ट। अब हम बताएंगे क्या एल्टर करना। यूनिक प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने फिल करी हुई है उसको हम चेंज करेंगे, यानी कि एल्टर करेंगे। यहाँ पे क्योंकि टैली की भाषा थोड़ी अलग होती है तो इसको हम चेंज करना नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एल्टर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी में गए, एल्टर का ऑप्शन दिख रहा है सेकंड नंबर पे, एल्टर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको चेंज करना है। मान लो हमें एड्रेस चेंज करना है, हम एड्रेस पे आते हैं, एड्रेस पे आए, हमने यहाँ से क्या किया, एड्रेस को चेंज कर दिया। मान लो हमें मनमोहन पार्क नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, राजापुर, राजापुर। अब इसमें कुछ भी एड्रेस चेंज कर लो, नहीं है तो अपना लोकेशन चेंज कर लो। लोकेशन पे आ गए, लोकेशन पे आने के बाद हमने यहाँ पे क्या क्या डालना है, कुछ भी डाल दो, दिल्ली डाल दो, दिल्ली डाल दिया, ठीक है। यहाँ आए, नंबर चेंज करना है, नंबर चेंज करना है, क्या करना है, हमें पहले तो यहाँ पे इंडिया का बुलाना पड़ेगा। आपको पता है इंडिया का क्या है, ये देखिए, ये है, हम आए इस पे, फिर हमें क्या करना है, हमें नंबर चेंज करना है, मान लीजिए नंबर चेंज हो गया, हम एंटर करेंगे यहाँ से डायरेक्ट। हमें इसको डायरेक्ट, मान लीजिए हमको सेव करना है तो हमें कंट्रोल ए करना पड़ेगा। देखेंगे यूनिक प्राइवेट लिमिटेड, यूनिक प्राइवेट लिमिटेड का अंदर का क्या हुआ है, यूनिक प्राइवेट लिमिटेड के अंदर की इंफॉर्मेशन चेंज हो चुकी है। बस इतनी सी ही बात थी आज। इन दो सोल्यूशन को आपने जान लिया, इसके आगे के सोल्यूशन को हम आगे ही ऐसे जानते रहेंगे, आगे इसके बारे में पढ़ते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।